रिगार्डिंग यार, आज जो है ना अपनी बाइक में लगने वाले भाई लाउडेस्ट हो रहे, मतलब इतने लाउड है वो अपने पागल हो जाएगा सुन के। तो हेलो दोस्तों यार, कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका कूल इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल के अंदर। तो यार आप देख रहे होगे भाई तुम्हारा ऐसे चल रहा है, तो क्या होना गाइस यार, चोट देखो काफ़ी ठीक हो रही है, चल पा रहा हूँ बट पूरा रिकवर नहीं मान सकते आप। तो क्या था ना, बैठे थे ऐसे ही सामने यार, अब निंजा है अपनी बाइक तो बहुत सारा सामान लाया हुआ है इसका, तो वो सामान रखा था तो भाई बैठा नहीं जा रहा था। तो भाई चिंटू भाई अपन ने प्लान कर लिया कि चलो कुछ करते हैं। तो अभी रिसेंटली गाइस हम दिल्ली गए थे तो बहुत सारा सामान लेके आए थे, तो उसी से रिगार्डिंग यार आज जो है ना अपनी बाइक में लगने वाले भाई लाउडेस्ट हॉर्न, मतलब इतने लाउड है वो अपने पागल हो जाएगा यार सुन के। जो आपकी डिमांड थी यार वही चीज़ है, तो वही लगाने वाले हैं। तो कौन से हॉर्न है चिंटू भाई? ये है ओरिजिनल मिंडा T90 हॉर्न, ये तो गाइस का सेट है ठीक है। और जो आवाज है ना, मतलब वो कैरी भाई वहाँ पे उसने टेस्ट करके दिखाया था, उसने पहले चाइनीज दिखाए थे हमें, बट भाई ये देखते भाई दिल आ गया कि भाई मेड इन इंडिया, अपने मेड इन इंडिया बाइक के लिए मेड इन इंडिया हॉर्न बिल्कुल। कुछ सोचा है कहाँ पे लगेंगे भाई, इतनी देर से तू डोल रहा है, कुछ देखा तूने भाई? देख मैं तो हूँ बीमार आदमी, मेरे लिए चोट मरीज है। देखो इसकी सिंपथी देखो, हर बात से पानी लाना है यार, देखो मैं तो बीमार हूँ, गेट बंद करना है मैं तो बीमार हूँ, कोई बात नहीं है। यही होता है गाइस यार, जब चोट लगी होती है तो यार कोई बात नहीं यार। देख देख यार चिंटू कहीं जा, जगह कैसे कहां कुछ सेट करेंगे इसको, देखो दो दो तीन जगह बनती है। मैं तो कह रहा था इस पत्ती पे हो जाए, इस पे ये ओए पत्ती दिख रही है यहां पे, ये वाली कौन सी वाली? ये वाली हां, ये जिस पे ये साइड पैनल का ये बना हुआ है। हां ये पता कितनी मोटी है, कितनी होगी भाई ये? ये 3 mm की जहां तक है, 3 से प्लस एंड दे 3 मैंने बता दी, तू तो 5 6 की को था। इस बारे में पहले बात हुई थी हमारी, जो कि मतलब इस पे करना पॉसिबल नहीं है, मोटी है। देखो लोकेशन अच्छी है, पत्ती ये वाली कह रहे हैं, लेकिन ये ना थोड़ी मोटी है गाइस, जिस वजह से छेद करना औखा हो जाएगा इसमें, बहुत छेद करना नुकसान कर देगी, नुकसान कर देगी। तो गाइस अभी 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 एक जगह और थी जहां मैंने देखा था, ये देखो इधर आओ, नीचे आओ थोड़ा, इधर से देखो, यहां से एक मिनट, ये जो खोल रखा मैंने, अरे पता चल गया भाई, पहले देख लिया हमने, सीधा बता ही देते हैं। देखो ये देखो, यहाँ पे से यहाँ पे एक स्क्रू है ना, इसके थ्रू यहाँ पे सामने लटकाएंगे, ठीक है ठीक है। तो उधर भी है, उधर भी है, चेक करूँ? चेक करो, तो उधर ही ढका हुआ मामला, ढका हुआ मामला, ये रहा देखिए, ये रहा, ये रहा, ये यहाँ पे रहा, दो हॉर्न है, दोनों को अपने हॉर्न की वो लगा के कनेक्ट कर देंगे, लेकिन अब यहाँ पे आएगी थोड़ी ज्ञान की बात। तो ज्ञान की बात वैसे, ज्ञान की बात क्या है देखो, जो हॉर्न होते हैं ना वो है पावर के हॉर्न, क्योंकि हाई एम्पियर के, जो नॉर्मल लगा होता है वो इतनी एम्पियर का नहीं होता, तो जो डायरेक्ट अपनी सप्लाई आ रही होती है उसके थ्रू वो चल जाता है, इनको जलाओगे ये नहीं चलेंगे। तो उसको चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिले का यूज़ करना पड़ेगा। एक्चुअल में रिले क्या करती है, स्विच आपका वही होता है, लेकिन आपका हॉर्न डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हो जाता है गाइस। भैया 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 इन कनेक्शन भी बताओगे? बताएंगे ना। तो गाइस किसी भी काम को करने के दो तरीके हैं, या तो आपके पास पैसा है जाके खरीदो चीज को लगा लो, अगर पैसा नहीं है रिले नहीं वेस्ट करना लेना चाहते तो भी सिंपल आइडिया यार, डायरेक्ट अपनी बैटरी से कनेक्ट कर दो हॉर्न को और स्विच लगा दो, स्विच को इग्निशन से कनेक्ट कर दो, हो गए कनेक्शन। लेकिन यहाँ पे हम रिले यूज कर रहे हैं। इसकी कितनी टांगे हैं? रिले की गाइस 4 टांगे होती हैं, वो आपको बाद में बताएंगे, पहले हॉर्न फिक्स करते हैं ठीक है। चलो पहले इसकी फिक्सिंग करते हैं, कैसे कहाँ पे फिक्स होगा, उसके बाद कनेक्शन तो बाद की बात है। तो गाइस ये देखो, ये नया पेंट हो गया जो कल आया था, जो मैंने तोड़ दिया था। ये उतर गया, दोनों उतर गए, अब हॉर्न की लोकेशन देख लेते हैं कहाँ लगेगी। सो गाइस अभी कनेक्शन करने वाले हैं हम, ये आ गया इनका सिंहासन, देखिए ये देखो। सो गाइस ये अपने हॉर्न है बेसिकली, इनके साथ आपको वायरिंग मिल जाएगी, जेन्युइन ही लेने का फायदा है, लोकल लोगों को कोई फायदा नहीं होता उनका। सिंपल सी बात है गाइस, कनेक्शन बहुत इजी है। जो रिले है उसमें आपको 4 टर्मिनल्स मिलेंगे, अगर आप एक टर्मिनल देखोगे तो ये ऐसे है, बाकी जो है ये 3 देख रहे हो, ये 3 सेम डायरेक्शन है, ये एक ऐसे है,
ठीक है। तो अब कनेक्शन क्या है, जो ये सामने वाले दो होते हैं ना, इनमें तो आपने लगानी है पुराने वाले हॉर्न की वायर। पुराने वाला जो आपको हॉर्न है उसमें से आइज किस निकाल के वो इसमें लगानी है, और बाकी दो में एक में लगेगा बैटरी का पॉजिटिव, एक में लगेगा हॉर्न का, हॉर्न का कोई भी टर्मिनल आप लगा सकते हो। अभी हॉर्न के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इस टाइप से वायर मिलती है दो, इनको क्या करना है गाइस, एक ये टर्मिनल में ऐसे लगानी है। ये इन्हीं के साथ आई थी, इन्हीं के साथ आई थी, आपको साथ मिलेंगी, पैकेट में साथ ही मिलेंगी। इन दोनों हॉर्न को ऐसे रखना आपने और सेम सेम वाले में डालनी है, जैसे इधर से इधर और इधर से इधर, और इधर वाली की तार इधर और इधर से इधर, ऐसे, गुड बॉय। अब जो ये दो बच गई, इन दो का जुगाड़ होगा इसमें, और ये तो गड़बड़ हो गई चिंटू। अरे इसके कपलर है नहीं हमारे पास, इसके तो कपलर नहीं है। अब ये दोनों मेल ही मिल गए हमको, इसमें स्क्रू लगा दूं चल जाएगा काम, बट यार वाटरप्रूफिंग का देखना पड़ेगा ऐसा होता है। ओके तो मेरे को कपलर लाने पड़ेंगे, हैं कपलर लाने पड़ेंगे भाई। ओह फिर से भगाएगा मेरे को, लिया बस जा कपलर लिया तू ब्रो, दो 20-20। अरे सुन मेरी बात, ऐसे ले आइयो, कैसे उनको बोल दियो कि दो हॉर्न की, दो हॉर्न लगाने वाला कनेक्टर दे दो, अगर उसके अंदर ये है ना वाटरप्रूफ पत्ती, तो ये वाटरप्रूफ कवरिंग है तो ये ले आइयो, नहीं तो से सिंपल ले आइयो, ठीक है, क्योंकि वाटरप्रूफ हो जाएगा, नहीं पूछ के देख लियो अगर हो तो, ठीक है। ठीक है गाइस, छोटे छोटे बच्चे, हेलो। तो गाइस अभी चिंटू ब्रो गया हुआ है अपने कनेक्टर्स लेने, और यहाँ पे आप पीछे देखो गाइस, ये अपनी जो जगह है बेसिकली जहाँ हम काम करते थे, उस रूम में हम काम करते थे, ये सारा आउटर अपने पास खाली रहता है, यहाँ बाइक्स खड़ी हैं। तो अभी क्या करने वाले गाइस, नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, उसमें थोड़ा सा टाइम आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आप बाहर काम करेंगे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा है, अंदर हो नहीं सकता, तो यहाँ पे शेड आएगा, जैसे आप यहाँ पे सामने देख रहे हो इन्होंने लगवाया, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी शेड बनाया गाइस, अपने को इतना हैवी चाहिए नहीं, तो कोशिश है कि खुद ही बनाएंगे वो भी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर अपने एग्ज़ाम वगैरह फिर से आगे, तो इस वजह से ना थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तब तक इसी की आपको कुछ बेहतरीन मॉडिफिकेशंस देखने को मिलने वाली हैं, आप लुक ही देख लो यार कैसी है। A few minutes later. मिल गए वाटरप्रूफ, मिल गए कितने के दिए, 30 रुपीज़। चलो ठीक है गाइस, वाटरप्रूफ मिल गया, अपना काम आसान हो जाएगा, वाटरप्रूफिंग भी बनी रहेगी, तो कनेक्शन को कंटिन्यू करते हैं, चला के दिखाते हैं आपको। सो गाइस ये देखो, फिर से दिखा रहा हूँ, ये रिले है, एक हॉर्न की तार आपको लगानी है इस वाले में, स्ट्रेट वाले में गाइस, ऐसे ये इसमें लगा देनी है इस तरीके से, ठीक है। अभी जो दूसरी हॉर्न की तार है ये होती है ग्राउंड, तो इसको आप अपनी बाइक में कहीं भी अटैच कर देंगे, जिससे ग्राउंड हो जाएगी अपनी बाइक, और जो दूसरी है यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा गाइस। सो चिंटू भाई अभी लगा रहा है अपने हॉर्न, जगह मिल गई है, लटका देते हैं इनको भाई, इनका ना मुँह नीचे की तरफ रखियो भाई, कोई पता चले चलाएं, और सीधा भाई आवाज यहाँ से सीधा कानों के अंदर आए, बहुत लाउड है गाइस ये, मतलब वो दुखी करना है, और वो दुखी ना भाई, खुद को नहीं करना खुद को दुखी नहीं करना यार, बस इरीटेट करती है भाई। बाकी एग्जॉस्ट चलने के बाद ना कुछ रहने नहीं वाला, क्योंकि इनकी साउंड जो लिमिट है वो 102 dB है, और 120 तो अपना ये एग्जॉस्ट ही कर देता है, ठीक है। सो गाइस यार देखो, यहाँ पे हमने हॉर्न की ग्राउंड ना इस पत्ती के साथ ही जोड़ दी, तो अब ये हॉर्न अपना ग्राउंड होगा, क्योंकि पूरी बाइक जो है वो ग्राउंड होती है, तो नेगेटिव की आपको टेंशन नहीं लेनी, पॉजिटिव आपका लग ही चुका है। सो गाइस यार अभी लगा रही थी अपने हॉर्न को, लेकिन ये हैंडल जो है वो टच हो रहा है उसके, तो इसको थोड़ा सा मुँह नीचे की तरफ करके देखते हैं बात बनती है, तो अब सही हो गया। तो अभी एक साइड का हॉर्न लग चुका है अपना, तो थोड़ा अड़ रहा था तो उसको हमने ठीक कर दिया, अब हैंडल अच्छे से मूव करा, फटाफट दूसरे साइड का लगाते हैं, फिर आपको प्रॉपर कनेक्शन करके दिखाते हैं गाइस। सो गाइस यार यहाँ पे देखो, फेयरिंग खोलना पड़ रहा है, क्यों खोल दी भाई चिंटू ब्रो, बन नहीं रही थी बात, नट बहुत दुखी कर रहा है अपने को, हमारे साथ ना हमेशा ऐसा होता है, ये आपके साथ भी होता है, जब भी कोई काम करते हैं ना तो एक नट तो हमेशा पक्का दुख करता ही है, और उसमें दुखी करने वाला ये है, और ये अभी भी नहीं खुल रहा है, ये अभी भी नहीं खुल रहा, इसी पे हॉर्न लगना है अपना। अब भाई ये कोई खतरनाक चीज गाइस, इससे ट्राई लास्ट ट्राई है, खुला तो ठीक है, खुल गया भाई, खुल गया, कांग्रेचुलेशन चिंटू ब्रो फॉर योर बिगेस्ट जर्नी। देखो भैया से मांगने गया था, पता है उन्हें पहले भरोसा नहीं हुआ, उन्होंने नकली चीज दी पहले, उन्होंने कहा लेके तो आया वापस दे दे, तो बोले दे खोलने का जुगाड़ बना दो,
कितना सा नट है और कितनी दुख दिहाड़े डाल देता है। सो गाइस ये देखो, ये अपनी मेन हॉर्न की जो पुराने हॉर्न की तारे थी ये हैं। तो ये कैसे लगने वाली है, ये लगेंगी इन दोनों में क्योंकि ये रिले को एक्टिवेट करेंगी। तो ये कोई भी आप इसमें एक, जैसे मैंने यहाँ लगा दी और एक लगा दी मैंने यहाँ पे ऐसे, तो अब यहाँ से क्या अपनी रिले एक्टिवेट हो जाएगी। आपको दिखा भी देता हूँ चेक करा के, जैसे ही मैं आप आवाज़ सुनना इसका मतलब रिले एक्टिवेट हो गई है। ठीक है, करते हैं क्लोज। अब जो ये एक वायर है, अब ये किसी में भी लगा दो। ये कौन सी है? ये अपने हॉर्न की पॉजिटिव है। ठीक है, किस में लगेगी? दोनों में से, दोनों में से किसी में लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब एक ये, हाँ ये बैटरी से आएगी, ये बैटरी में कनेक्ट करना है, बैटरी के पॉजिटिव में, बैटरी के पॉजिटिव में कनेक्ट करना है क्योंकि ग्राउंड तो हम कर चुके हैं। ठीक है, ये बैटरी के पॉजिटिव उधर से जाके लगा देंगे। आगे ऊपर से एक बार इसमें लपेट दो, हल्के से लपेट दे, पॉजिटिव में लगनी है। स्क्रू ड्राइवर ले ले, इस तरीके से गाइस जो पॉजिटिव आई है ये इसमें लगते ही अपने हॉर्न स्टार्ट हो जाएंगे, हो जाने चाहिए। देख लो भाई, जैसा दिमाग लगा उस हिसाब से चलने चाहिए, बाकी देखते हैं क्या रहता है। सो गाइस देखो, फर्स्ट इंप्रेशन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हॉर्न की साउंड कैसी है। डुगू कैसी साउंड आ रही है? बाकी डुगू देखो यार गाइस, साउंड बहुत लाउड है और इवन ये ज़्यादा टाइम तक बजेगी तो हम भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे फ्यूचर में, एक और काम करेंगे, अपना नॉर्मल हॉर्न भी लगा देंगे। तो एक स्विच होगा कि भाई जहाँ पे हम खुले एरिया में या जहाँ हमें साउंड चाहिए वहाँ पे साउंड मिल जाएगी, अदरवाइज हमें नॉर्मल ही हॉर्न रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाउड है। एक्चुअली कार्स के हॉर्न हैं तो आप आवाज़ सुन ही सकते हो और बहुत ज़्यादा लाउड है। बाकी आपको एक राउंड करा लेंगे बाहर का, ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि कैसी इसकी जो है साउंड है। सो भी देखो यार गाइस, अपनी बाइक की बॉडी को फिट कर देते हैं प्रॉपरली और उसके बाद एक चिंटू ब्रो कह रहा है कि वॉक अराउंड होना चाहिए क्योंकि आपने बहुत डिमांड की है, तो मैं तो जा नहीं सकता, तो चिंटू ब्रो लेके जाएगा इसको और एक वॉक अराउंड दिखा देगा आपको कि भाई कैसी साउंड है। और अपने एग्जॉस्ट साउंड का भी आप बोल रहे हो कि म्यूज़िक मत लगाया करो पीछे, तो वो भी नहीं लगाएंगे, तो इसको करते हैं फिर लेके चलते हैं। तो गाइस चलो बाइक को लेके चलते हैं बाहर, और मेन काम क्या है, मेन काम ये है, मेन काम दूध लेके आना, तो इस काम से इसको भी टेस्ट कर देंगे, आवाज़ देखना आप कैसी आएगी। ठीक है चलो चलते हैं। A few inches later. सुन रहे हो और उनकी सुनाऊं, ये देखो सुनी तो भाई दूध लेने गया देखो उधर। ठीक है, आवाज़ तो प्यारी आ रही है, हॉर्न की भी प्यारी ही आवाज़ है लगभग, देखो आवाज़ अच्छी आ रही है। तो भाई चलो गाइस, यहाँ पे एक भैया थे उनसे मैंने टूल लिए थे अभी, हमसे खोल नहीं रहा था ना जब ये हॉर्न, तो उनको दिखा देते हैं एक बार कैसी लग रही है भाई, उनसे भी रिव्यू ले लेते हैं। आ जाओ भैया, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो दिखाने लाया था। हाँ ये लगा रहा था हॉर्न अभी, सही लग रही है,
चलो ठीक है गाइस। हैं क्या दस बार दबा लिया आपने अभी सुना, आपने अभी सुना है क्या करें। सो गाइज आई डोंट नो आपको आवाज़ कैसी आई होगी, बट हमने पूरी कोशिश करी आपको सुनाने की। कैसी फील कर रही है बताना।